हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। मैं हूं सीए जयदीप ठक्कर। दोस्तों, आईएएस प्रीलिम्स एंड आईएएस मेंस क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट यानी कि इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। आईएएस इंटरव्यूज में मेनली कैंडिडेट्स कितनी जल्दी कितना सही आंसर देता है वो चेक किया जाता है, उसका डिसीजन पावर कैसा है वो टेस्ट किया जाता है। आइए तो आज उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हम आपको पूछते हैं। क्वेश्चन सुनने के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है और आपका जो भी आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने सही आंसर हुए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुए थे लेकिन उनके जन्मदिन जून में है, ये कैसे पॉसिबल है? क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। दो जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुए थे लेकिन उनके जन्मदिन जून में है, हाउ इज दिस पॉसिबल? वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है और जो भी आंसर है वो जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों, आंसर डिस्कस करते हैं। ये पॉसिबल है बिकॉज मई इज द नेम ऑफ द टाउन, मई एक शहर का नाम है। एक्चुअली क्वेश्चन को देख के हम ये सोचते हैं कि मई एक मंथ है, यानी कि हम ये सोचते हैं कि ट्विंस वेर बोर्न इन मई मंथ, बट एक्चुअली ट्विंस वेर बोर्न इन मे सिटी, मे एक सिटी का नाम है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर एक दीवार बनाने के लिए 8 पुरुषों को 10 घंटे लगे तो इसे बनाने के लिए 4 लोगों को कितना टाइम लगेगा? आपका जो भी आंसर है वो कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों, इसका सही आंसर है उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि यह दीवार पहले ही बन चुकी है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना हो तो मैंने बताया था कि अगर एक दीवार बनाने के लिए 8 पुरुषों को 10 घंटे लगे, मतलब दीवार बन चुकी है, और फिर मैंने पूछा तो इसे बनाने के लिए 4 लोगों को कितना समय लगेगा? अब तो कोई टाइम नहीं लगेगा ना, क्योंकि दीवार तो ऑलरेडी बन चुकी है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप नीले समुद्र में लाल पत्थर डालते हो तो क्या होगा? आपका जो भी आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताएं। अब आंसर डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नीला समुद्र है, उसमें अगर लाल पत्थर डालेंगे तो पत्थर का कलर भी नीला हो जाएगा, लेकिन सही आंसर है द स्टोन विल बी वेट एंड विल डाउन, मतलब कि पत्थर गीला होगा और डूब जाएगा। कोई भी कलर का क्यों ना हो, अगर आप समुद्र में पत्थर डालते हो तो वो गीला होता है और फिर डूब जाएगा। ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसा पूछते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही थे। आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि पता चले कि उनके भी कितने आंसर सही होते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टडी बडी क्लब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।